दिसपुर भारत के राज्य असम में स्थित है, जो इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली से 1900 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। और साथ ही में दिसपुर सिटी असम स्टेट की कैपिटल भी है, जो गुवाहाटी का एक उपनगर है, यानी कि दिसपुर गुवाहाटी सिटी के अंतर्गत आता है। दिसपुर असम का एक ऐतिहासिक शहर है, जो अपनी संस्कृति, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, एथनिक ज्वेलरी, कालीन, रेशम की साड़ियों आज के लिए जाना जाता है। और साथ ही में ये शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार दिसपुर में 84% हिंदू, 13% मुस्लिम और 3% अन्य धर्म के लोग रहते हैं। इसके अलावा दिसपुर को सन 1973 में असम राज्य की राजधानी बनाया गया था। इससे पहले असम राज्य की राजधानी शिलोंग हुआ करती थी, लेकिन जब मेघालय राज्य का गठन हुआ तो शिलोंग शहर मेघालय के हिस्से में चला गया और इसे मेघालय की राजधानी बना दिया गया। दिसपुर शहर गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर के लिए लोकप्रिय है, जहां पर दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय का व्यापार किया जाता है। अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो दिसपुर यानी गुवाहाटी भारत का 48वां और असम का पहला सबसे घनी आबादी वाला शहर है। इसकी पॉपुलेशन लगभग 10 लाख के आसपास है। अगर टूरिज्म की बात की जाए तो दिसपुर में घूमने के लिए काफ़ी खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जहां पर हर साल हजारों लोग घूमने आते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं दिसपुर में घूमने की 5 सबसे अच्छी जगह, जहां पर हर साल हजारों लोग घूमने आते हैं। तो शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर है एल फ्रेंचको ग्रैंड रनर क्रूज। ये जगह दिसपुर में शिप पर स्थित एक लग्जरी रेस्टोरेंट है। यहाँ पर आप लोग रोमांटिक वातावरण का आनंद उठाते हुए डिनर कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग लाइव लोक नृत्य और संगीत का लग्जरी अंदाज में आनंद उठा सकते हैं। ये जगह दिसपुर में घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। नंबर 4 पर है असम स्टेट म्यूजियम। अगर आप लोग असम की परंपरा और संस्कृति से रूबरू होना चाहते हैं तो असम स्टेट म्यूजियम आपके लिए एक सबसे अच्छी जगह है। इसका निर्माण 1940 में हुआ था। इस म्यूजियम में द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ी कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं। किताबें पढ़ने के शौकीन लोगों के लिए यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी मौजूद है, जो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। नंबर 3 पर है असम स्टेट जू। असम स्टेट जू नॉर्थ ईस्ट रीजन का सबसे बड़ा जू है, जो 432 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस जू में 895 जानवर हैं, जिनमें 113 अलग अलग प्रजातियों के जानवर हैं। ये जगह गुवाहाटी में हैंगबरी आरक्षित वन के अंतर्गत आती है। जानवरों को देखने के शौकीन लोगों के लिए ये एक सबसे अच्छी जगह है। नंबर 2 पर है उमानंदा टेम्पल। यह एक शिव मंदिर है, जो कि पीकॉक आइलैंड पर स्थित है। पीकॉक आइलैंड ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित एक द्वीप है। यहाँ पर जाने के लिए बोट से जाना पड़ता है। शिवरात्रि के दिन जो भी यहाँ पर सच्चे दिल से पूजा करता है, माना जाता है कि उसे भगवान शिव जैसे पति या पार्वती देवी जैसी पत्नी मिलती है। और अब नंबर 1 पर है कामाख्या टेम्पल। कामाख्या मंदिर दिसपुर से 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। यह मंदिर देवी सती यानी पार्वती जी को समर्पित है। यहाँ की मान्यता है कि जो भी भक्तगण यहाँ जीवन में 3 बार दर्शन कर लेते हैं, उन्हें सांसारिक बंधन से मुक्ति मिल जाती है। कामाख्या मंदिर दिसपुर की सबसे पवित्र और सबसे अच्छी जगहों में से एक है। आप लोग इन जगहों के अलावा दिसपुर में घूमने के लिए नेहरू पार्क, शुक्रेश्वर टेम्पल, ओविटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
मानस नेशनल पार्क, गुवाहाटी प्लैनेटेरियम, रीजनल साइंस सेंटर आदि जगह जा सकते हैं।